नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम 24 भिवाड़ी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आरजी तालीम और आज हम हैं बाबा मोहन राम किसान कॉलेज में। यहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो यहां के स्टूडेंट हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और यहां पे देवेंद्र भिदुड़ी जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। यहां पर इनसे बात करेंगे किस तरह का ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या इसका कारण है वो बताएंगे हमारे साथ। सर, क्या कारण है, किस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है? आज हमारा धरना प्रदर्शन है कॉलेज बंद करो आंदोलन। इसलिए कॉलेज बंद करना चाहते हैं? नहीं तो छात्र संघ चुनाव बहाल किए जा रहे हैं। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने बहुत ज़रूरी है, जिससे एक छात्र नेता की भी आवाज़ बुलंद होती है और जो भी कॉलेज में छात्र छात्राएं आती है सभी की समस्याओं का समाधान किया जाता है। आज हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा इशू हैं, अध्यापकों के भी इशू हैं, वैसे भी इशू हैं हर प्रत्येक कॉलेज में। हमारे कॉलेज में आज तक तो नहीं तो 2019 से सरकारी गवर्नमेंट हुआ है, आज तक कोई लाभ नहीं मिला है सरकारी। हमारी फीसें ठगी जा रही है, नहीं हमें टीचर मिल रहे, नहीं हमें कोई सुविधा मिल रही, यहाँ पे टीचरों की भी सुविधा नहीं मिल रही है। क्या सुविधा चाहते हैं कॉलेज में आप? कॉलेज में सुविधा तो यही होती है, हमें टाइम टू टाइम अध्यापक मिले, सरकारी टीचर मिले यहाँ पे, यही है हमारी तो सुविधा। क्या टीचर नहीं मिल रहे आप लोगों को? हमको कोई टीचर नहीं मिल रहा यहाँ पे। आप भी आप सर्वे करोगे तो एक या दो टीचर मिलेंगे, वे भी जो कोर्ट की साइड से टीचर, या तो उनको परमानेंट किया जाए जो हमको कम से कम 1400-1500 बच्चों का भविष्य अंधकार में तो ना जाए। तो टोटल कितने टीचर्स हैं यहाँ पर इस टाइम? तो तीन टीचर हैं। टोटल तीन टीचर हैं। बच्चों की अगर बात करें स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट की बात की जाए तो 1400-1500 के प्लस है। तो उसका कैसे फॉर्म कौन भरता है फिर, ऐसे जो तीन टीचर कैसे हैंडल कर रहे हैं? तीन टीचर ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, डॉक्यूमेंट समय पे जमा नहीं होते, बच्चे आते हैं परेशान होकर वापस निराश होकर घर चले जाते हैं, अगले दिन का फिर समय दे दिया जाता है, फिर आते हैं फिर निराश होकर चले जाते हैं, फिर लेट फीस लगाते हैं। अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए उनको 500 रुपये और चाहिए लेट फीस के लिए, फिर भी अगर डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते फिर 1000 रुपये लेट फीस कर देते हैं। बच्चों को हर तरीके से ठगा जा रहा है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बच्चों ने बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं कि छात्रवृत्ति का, हमारी फीसें पूरी ली जाती है 2000, 2500, 4400 जो भी हमारी सिलेबस वाइज है सबकी फीस ली जाती है, लेकिन छात्रवृत्ति मिलती है सरकार की तरफ से कोई नहीं मिलती हमारे कॉलेज। छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा? किसी को भी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। और जैसे कि सोशल पे ई मित्र पे जाके बच्चे फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं तो हमारे कॉलेज का नाम ही नहीं है छात्रवृत्ति के लिस्ट में। देवेंद्र भिदुड़ी से हम जानेंगे आगे कि वो उनकी क्या मांग है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में बच्चे हैं, क्या इशू इनके सामने आ रहा है, क्या इशू आ रहा है आपके सामने? नमस्ते, मैं पिंकी भिदुड़ी। हमारे यहाँ 2020 अगस्त 2020 से ये गवर्नमेंट कॉलेज हो चुका है, लेकिन 2020 से और आज तक एक भी गवर्नमेंट फैसिलिटी यहाँ पर नहीं चालू की गई है, ना ही कोई एक भी सरकारी कर्मचारी है जो यहाँ पर कार्यरत है। जितने भी कर्मचारी प्राइवेट हैं, कॉलेज का डाटा है वो सुरक्षित नहीं है। हमने एक बार बार ज्ञापन सौंप चुके हैं 2020 से लेकर, हमने ये जा भी है, हमने यह सारी जितनी भी समस्याएं हैं इनको सहाय हम तिजारा के विधायक जी को हमने ज्ञापन सौंपा था, जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। अभी क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांगे ये हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ये है कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कर्मचारी हो जो ये डाटा को कवर करे कि ये सरकारी डाटा है, ये कर्मचारी हो जो सरकार का हो, जो खुद देखे संभाले। प्राइवेटों के हाथों में ये सब चीज़ जो सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। कॉलेज की बिल्डिंग भी गिर रही है, कॉलेज की आप सर्वे करो अंदर जाके, बिल्डिंग भी टूट रही है, कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। पार्क के नाम पे यहाँ पे जंगल कह सकते हैं, पार्क नहीं जंगल है, इसमें सांप भी है कुछ वैसी भी है। और इलेक्ट्रीशियन देखा जाए तो अगर इलेक्ट्रीशियन बिजली का है बोर्ड टूटे पड़े हैं, प्रति क्लास की अर्थव्यवस्था बिगड़ी पड़ी है। आज तक 5 साल से हमें सरकार की तरफ से 2 कुर्सियां तक नहीं मिली है भाई यहाँ पे कॉलेज में स्टूडेंट के लिए कुर्सियां। आप अंदर जाके देखना, कुर्सियां भी टूटी पड़ी है, यहाँ पे बाथरूम शौचालय सब खंडर हुए पड़े हैं, बच्चे बहुत आते ही नहीं है। 1400-1500 स्टूडेंटों के एडमिशन चल रहा है लेकिन आते कितने, 50-40-50 आज भी ये सभी हमें फॉर्म भरने के लिए आए, बेचारे निराश होकर वापस जा रहे हैं। हमारे पास कॉल करी, हमने आपके पास बुलाया और आप अब समस्या आप सभी से पूछ सकते हो। चलिए जानते हैं आगे, हमारे साथ में और भी बच्चे हैं, इनसे जानेंगे। पिंकी भिदुड़ी जिंदाबाद, पिंकी भिदुड़ी जिंदाबाद, पिंकी भिदुड़ी जिंदाबाद। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। पूजा, कहाँ से आती हैं? मैं सतलका से आती हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर, मैं 3 साल से मेरे BSL फाइनल, मेरे 3 सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हो पा रही हूँ, फेल ही दिखा रहा है।
पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? चल पढ़ रहे हैं, डेली कॉलेज आते जब अभी मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो ये फर्स्ट इसने वो दिया था, फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम दिया था वो एग्जाम इसका लास्ट ईयर तक क्लियर नहीं है। पढ़ पढ़ कर हर एक तीन साल इसने दोबारा परीक्षा दी है, वो तीन बार परीक्षा दे चुकी है लेकिन इस क्लियर नहीं है। क्या भाई उत्तर पुस्तिका इसी तरह चेक की जाती है क्या? पूरा भविष्य अंधकार में बच्चों का। लाइब्रेरी बिल्कुल एकदम जाले लग रहे हैं, किताबें पुस्तकें नीचे पड़ी हैं, उसमें झाड़ू तक नहीं लगाई जा रही है, नहीं वो ओपन की जा रही है। ये तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी है ना, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फेल हो रहे हैं। स्टूडेंट की जिम्मेदारी इतनी होती है कि वो पढ़कर पेपर दे सके, वो कॉपी चेक नहीं कर सकता जी। वो कॉपी ये कहना चाहते हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो आपके साथ में धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल धोखा हो रहा है हमारे साथ, उसके जिम्मेदारी आप सोच लो इसके, ये है ये जवाबदार खड़े हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जब हुआ था हमारे पास, जब अध्यापक ही नहीं है तो स्टूडेंट पढ़ेंगे कहाँ से? कॉलेज के नाम से घर से निकल जाते हैं, फिर यहाँ निराश होकर वापस घर चले जाते हैं। लाइब्रेरी से मदद मिलती है, लाइब्रेरी में झाड़ा लगा पढ़ाए, यहाँ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ज़्यादातर 100% में दो बातें सामने आती हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपी चेक हो रही है, तो कॉपी चेक करने में धोखा हो रहा है या आपको प्रॉपर टीचर नहीं मिल रहा? हमें कॉलेज की समस्या है, आगे हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते कि भाई हमें आगे हमारी कॉपी गलत चेक हो रही है, सही चेक हो रही है, वो तो जो भी हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन हमारी इशू कॉलेज से, हमारे पास अध्यापक नहीं है, टीचर नहीं है। और कॉलेज से जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। 90% जो भी हमारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने बैठते हैं वो करीबन 90% सभी स्टूडेंटों के बैक आती है। बैक आने का इशू यही है, हमारे पास नहीं तो लाइब्रेरी है, नहीं टीचर है। टीचर है जो दो तीन टीचर हैं, आप सर्वे करके देखना। लाइब्रेरी कितने समय से यहाँ पर नहीं है? लाइब्रेरी 2019 से बंद है। तो इसके लिए पहले आपने आवाज़ नहीं उठाई है? पहले मैंने बहुत आवाज़ उठाई है, उससे पहले हमारे और भी भाई थे जो कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। उसके बाद 2021 में मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसके बाद मैं परमानेंट हर तरीके की आवाज़ उठा रहा हूँ, साफ सफाई की, कॉलेज की, बिल्डिंग की। कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन ऐसा फैला पड़ा है कि जाड़ बिछा हुआ है, किसी भी छात्र की कैसे भी शॉर्ट सर्किट के वजह से हत्या हो सकती है। यहाँ तो कोई देखभाल ही नहीं है, कोई है ही नहीं आगे पीछे कॉलेज में। आप अंदर जाके एक बार चेक करना है, कोई हमारी आवाज़ सुनने के लिए भी नहीं है यहाँ पे टीचर। बाकी स्टूडेंटों से आप पता करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम किरण। कहाँ से आते हैं किरण? मैं सातरका की, सातरका से आती। क्या कॉलेज में क्या इश्यूज आ रहे हैं? कॉलेज में लाइब्रेरी तो है बट आज तक हमने लाइब्रेरी देखी नहीं है। मैं बी कॉम फर्स्ट ईयर में हूँ। एक ही दिन के लिए खोली गई थी, बुक इश्यू करवाई थी, वो भी कुछ बच्चों को। बाद में बोली गई थी कि और बच्चों को बुक चाहिए तो उनको नहीं दी गई। नहीं तो जब और लाइब्रेरी है तो उसमें तो सभी को बुक मिलनी चाहिए। हाँ, आधे बच्चों को दी गई थी, बस सर ने बोला था एक ही दिन बुक मिलेगी, दो तीन दिन सर ने वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई। मेरे बात हाँ। और फिर आधे बच्चों को मिली, एक एक बुक मिली, किसी को दो और मिली नहीं। और लाइब्रेरी तो आज तक खुलती नहीं है, ओपन ही नहीं हुई। अभी आप कौन से ईयर में? बी कॉम फर्स्ट ईयर। और बच्चे भी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहानी है, मैं सातलका से हूँ। हमारे कॉलेज में कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, नहीं तो कोई प्रॉपर टीचर है, सिर्फ एक दो सब्जेक्ट की क्लास लगती है। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बीकॉम फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। हाँ, हमारी मांगे और ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारी मांगे बस इतनी है कि जो ये पूरे वर्ष है ना, ये पूरे वर्ष कागजी कार्रवाई में निकल जाता है, जो भी समय पर नहीं हो रहा है। इसमें पढ़ाई से लेकर कोई बात नहीं है, मगर 1400 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर हैं जिनका एडमिशन है, लेकिन 1400 में से यहाँ पर टोटल रोज 40-50 स्टूडेंट आ रहे हैं जिनकी क्लास एक दो सब्जेक्ट की लगती है। यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट के पूरे टीचर नहीं है, और किसी भी तरह का एक भी सरकारी टीचर या प्रिंसिपल नहीं है जो यह कॉलेज का लेखा जोखा अपने पास रखे। हमारी मांगे यह है कि हमें समय से टीचर दिए जाए, हमारी पढ़ाई निरंतर चले। तो इंग्लिश और हिंदी की टीचर ही नहीं आई थी फर्स्ट सेमेस्टर में। हमारे साथ में और भी बच्चे हैं यहाँ पे, और भी स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, इनसे जानना चाहेंगे क्या क्या दिक्कतें कॉलेज में हैं। क्या नाम है आपका? जी सूरज। सूरज कहाँ से आते हैं? जीवाणा चौपान की से। जीवाणा चौपान जी सर। क्या कर रहे हैं? बी ए कर रहा हूँ सर मैं। कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो एक हो तो बताऊँ, बहुत सारे प्रॉब्लम है। आप एक बार मैडम वो दीपाली जी की क्लास नहीं लेती हिस्ट्री की, वो इंग्लिश की। हिस्ट्री की? इंग्लिश की। इंग्लिश की। अरे हिस्ट्री वाली मैम हमारी एक जब हम थोड़ी सी लेट हो जाते हैं ना तो क्लास के अंदर नहीं आने देती वो। अच्छा, तो ये तो रूल है। रूल हमें क्लिक, हमारा कॉलेज टाइम है 10 बजे, वो क्लास लेती है 8 बजे, तो कोई बेचारा 10 किलोमीटर आता है, कोई 15 किलोमीटर आता है। कॉलेज का क्या टाइम है? 10 बजे का। 10 बजे का टाइम है कॉलेज का। तो मैम हमारी क्लास लेते कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, तो हम आते हैं जस्ट 15 किलोमीटर दूर से। तो हम कैसे टाइम पर पहुँच जाए 8 बजे? कितने टीचर हैं? टीचर हमारे तो दो टीचर पढ़ाते हैं बस। सब्जेक्ट कितने आपके पास? 3 सब्जेक्ट मेरे पास।
कौन कौन से? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य। लेकिन हिंदी साहित्य क्लास जब से एडमिशन ले और अभी तक एक दिन भी नहीं लगी। और इंग्लिश वाले मैम बोलते मैं तुम्हारी क्लास पेपर जस्ट 10 दिन पहले लूँगी, उसने अभी तक क्लास नहीं ली हमारी। अच्छा, और बच्चे कह रहे हैं कि बैठने की सुविधा नहीं है, चेयर्स टूटी हुई हैं। चेयर्स टूटी हुई बगैर पंखे हैं ना, जो उसमें मान लो पाँच पंखे, दो पंखे चलते, तीन पंखे तो वैसे बंद है। और हमारा जो स्विच बोर्ड होता है वो सारा टूटा पड़ा है, सारा फर्नीचर सब बेकार है। और यहाँ पे हमारा पार्क है, जो पार्क के नाम पे बगाए थे वो जंगल है यार, झंडुआ पड़ा है बिल्कुल ही, बड़े बड़े उसमें पेड़ पौधे निकले हुए हैं। कौन से क्लास में? बीकॉम फर्स्ट ईयर। यहाँ पे कॉलेज की क्या असुविधाएं आपको हो? यहाँ पे क्लासेस ढंग से नहीं लगती, मतलब एक दो क्लासेस लगती है, उसके बाद लाइट भी नहीं आती, फैन वगैरह भी नहीं चलते, उसके बाद साफ मतलब सफाई भी नहीं रहती यहाँ पे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टॉयलेट भी नहीं है। हाँ नहीं है, यहाँ पे पानी वगैरह भी नहीं है। क्या नाम है आपका? अंजलि। कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर बीकॉम। क्या सब्जेक्ट? बीएससी तो यहाँ पे है। बीकॉम। क्या सुविधा है? सुविधा तो कुछ है ही नहीं, बस दो क्लास लगती है, वो भी टीचर अपनी मर्जी से। अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? अभी बिजनेस। बिजनेस कितने बजे होता है? 10 बजे। 10 बजे अभी तो 11:30 बजे, तो 1.5 घंटे का होता है कितने? कभी मैम मतलब लेट हो जाती है कभी कभी। उसके बाद आप कॉलेज से बाहर आ जाते हैं? उसके बाद आप कॉलेज से बाहर आ जाते हैं? हाँ। पीरियड्स जैसे खत्म होता है तो आप कॉलेज से बाहर आ जाते हैं? जाने फिर कुछ होता ही नहीं है, जब टीचर नहीं होते तो ये लोग खुद भेज देते हैं घर पे, घर जाओ अपने अपने। कॉलेज का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतने बजे तक रहना है, इतने बजे आना है नहीं आना, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से जाओ, कोई टाइम सेट नहीं है यहां पे। किसी का कोई टाइम है? नहीं है कोई टाइम नहीं है। टॉयलेट की सुविधा नहीं है? टॉयलेट है। कह रहे कि पंखे नहीं है कॉलेज? पंखे है ना, चलते नहीं है, चलते नहीं है, चार नहीं है, चलते नहीं है, चार पंखे चार हैं, दो चलते हैं, दो नहीं चलते। एक क्लास में कितने पंखे? एक क्लास में चार पंखे लगे हैं पर दो नहीं चलते, जिसमें से हाँ दो ही चलते हैं। बेंच भी टूटी हुई है, कुर्सी भी नहीं है, सारी कुर्सी भी अवेलेबल नहीं होती है, ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो कुर्सी नहीं होती है, फिर दूसरी क्लास में से कुर्सी लेकर आओ। मैं यहाँ से UIT से सेक्टर 4। कितने बजे का? 10 बजे से स्टार्ट होता है। वैसे तो एक क्लास लगती है सर, और पता नहीं कब खत्म हो जाती है क्लास, कब शुरू होती है, कब खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता, कोई टाइम फिक्स नहीं है छुट्टी का, छुट्टी का कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। तो अभी आप बाहर आ गए, जैसे पीरियड खत्म हो? नहीं पीरियड खत्म नहीं, अभी तो है मैम, बैठी है क्लास में। हाँ आने के लिए बोल दिया मैम ने। हाँ भेज दिया, भेज देते हैं, जैसे एक दो पीरियड जो खत्म हो, एक दो पीरियड जो इनके लगने होते हैं लग जाते हैं, बाकी छुट्टी की कोई टाइमिंग सेट ही नहीं है। अगर एक दो जो टीचर आया है, एक दो टीचर जो क्लास ली उसने ले ली, बाकी इनकी छुट्टी कर दी जाती है। क्लास का गेट लगा देते हैं, हमें कॉलेज से भगा दिया जाता है। क्लास का गेट के ताला भी लगा देंगे, ऐसे नहीं जैसे हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्लास में पढ़ सकते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हमें बाहर बैठा देंगे। और ये भी नहीं बोलेंगे चल बच्चे तुम पढ़ लो, बाहर क्यों बैठ रहे हो, पंखे भी नहीं चलाने देते, लॉक करके चले जाते हैं अपने क्लास को। बच्चों को कहते तुम भी घर जाओ, भगाते। 1.5 घंटा क्लास खुली होगी, ज्योग्राफी की ओनली 40 मिनट क्लास खुलती है, 40 नहीं 20 मिनट ही खुली है आज तो हमारी क्लास।